से जल्द कोई लाइटिंग करके हम लोग वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने ना स्किन को डिटॉक्स कर सकते हो हर एक बार के यूज से, और वो सारे चीजें आपकी किचन में ही मौजूद है, तो क्या? तो यह आज के एपिसोड में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने स्किन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। जैसे हम अपनी अंदरूनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं नारियल पानी के मदद से, यू नो, दूधी के रस के मदद से, बीट ग्रास के मदद से, पर हमारे स्किन का क्या? इसको भी डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। तो आपको लगेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है स्किन के लिए? जैसे कि मुझे ब्रेकआउट्स होते हैं, एक्ने होते हैं, जिनको कि यू नो एक्ने पिंपल या ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है, यू नो, जिनको फूडेड बम्प्स की प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया फंगस जमा हुए रहते हैं सालों साल से, हम उनको क्लीन नहीं करते, तो इसलिए वो बैक्टीरिया फिर ऐसे यू नो फूल के आपके स्किन के ऊपर आ जाते हैं। तो यही रीजन है कि हमें अपने स्किन को भी डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का जो भी रेमेडी है, कोई खर्चे पाती का कुछ इसमें पंगा है ही नहीं। आप किचन में जाओगे, दो एक चीज चुरा के लाओगे, बस आपका स्किन केयर हो जाएगा, उसके साथ साथ आपको डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा आपका स्किन का, उसके साथ साथ आपको एक अच्छा सा निखरी हुई त्वचा भी मिल जाएगी। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपके लिए कह दूं कि हाय, माय नेम इज सोलंकी, और आपको इस तरीके की सारी DIY स्किन केयर, हेयर केयर, हॉल वीडियोस, प्रोडक्ट रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल बटन। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ सकते हो, उस पे यू नो मेरे फोटोज वगैरह, मेरी डेली स्किन केयर वगैरह और काफी सारी चीजें जाती रहती है, तो उसको जानने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करने होंगे। तो चलिए और कोई बात है नहीं, अब देख लेते हैं कि हम अपने स्किन को डिटॉक्सिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। एंड बाय द वे, मेरे इयर रिंग्स कैसे लग रहे हैं? इसके ऊपर बहुत जल्द हॉल आएगा, ज्वेलरी हॉल, तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर ही सकते हो, यू नो दिस इज कॉल्ड प्री प्रमोशन। तो चलिए अब इस डिटॉक्सिफाइंग फेस पैक को प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लगेगा चावल का आटा, तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच चावल का आटा लिया है। चावल का आटा हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा हमारे स्किन को साफ करने में, क्लेंस करने में ये काम आता है, हमारे स्किन की रंगत को निखारने में काम आता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि ये सिर्फ आपकी ऊपरी परत को ही साफ नहीं करता, अंदर की जो भी बैक्टीरिया, जो जर्म्स वगैरह है, उनको भी निकालने में ये सक्षम है। इसके साथ इसके अंदर हमें डालना है एक चम्मच बेसन, बेसन यानी कि चीक पी फ्लोर, तो ये भी अगेन एक सुपर यू नो क्लेंजिंग प्रोडक्ट है। इससे आपके स्किन को बहुत डीपली क्लेंजिंग एक मिलता है और ये हमारे यू नो स्किन को साफ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, स्किन की रंगत को निखारने में, स्किन वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट हमें कुछ बूंदे इसके अंदर रोज़ वाटर के डाल लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, पर रोज़ वाटर हमारे स्किन को सूथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो कुछ बूंदे आपको इसके अंदर रोज़ वाटर के डाल लेने हैं। इसके अंदर जो लास्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे वो है टमाटो प्यूरी यानी कि टमाटो का पेस्ट। इसको मैंने कद्दूकस करने वाली जो मशीन आती है उसमें मैंने टमाटो को घिस लिया है, तो इस तरीके से उसका पल्प और उसका जूस इस तरीके से मैंने निकाल के रखा है। तो इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा करके भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो जितना आपको इतना पेस्ट को बनाने में लिक्विड की ज़रूरत है, उतने लिक्विड हम सिर्फ जो टमाटो प्यूरी है, टमाटो का पेस्ट है, उसके मदद से लेंगे। अलग से हम कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं करेंगे। इसका मैं कोई भी अमाउंट आपको नहीं बता रही हूँ, जितना आपको लगे कि आपको पेस्ट करने के लिए ज़रूरी है उतने की आप टमाटो प्यूरी लोगे। अगर बाय चांस आपको लगे कि टमाटो आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप टमाटो को छोड़ के आप इसके अंदर एक दो चुटकी हल्दी का ले सकते हो और बाकी आप इसको पानी से मिक्स कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्किन को डिटॉक्सिफिकेशन मिलता है। तब इसको हम अच्छे से यू नो मिक्स करके एक स्मूथ फेस पैक जैसा बना लेंगे। तभी जैसे कि देख सकते हो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो चलते हैं अब एप्लीकेशन की तरफ। अब आपको इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेने हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने इसको नेक में भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेक के डार्कनेस को हटाने में भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसको 15 मिनट तक रखने हैं, उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धो दोगे। तो मैं 15 मिनट बाद इसको धोकर फिर दोबारा आपसे आके मिलते हो।
तो 15 मिनट बाद मैंने अपना चेहरा वॉश कर लिया है। आप एक इंस्टेंट एक यू नो क्लियर स्किन आप देख सकते हो, एक हेल्दी लुकिंग वो आपको विजिबल हो ही जाएगा, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपके जो भी यू नो इनर बैक्टीरिया फंगस वगैरह है उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये निजात दिलाने में मदद करता है। तो गाइज जैसे अभी अभी आपने देखा, मैंने पूरा प्रोसेस दिखा दिया कितना इजी है, कितना यू नो सारे चीज़ आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा एक टैगलाइन ही है कि जीरो बजट रेमेडी। तो मैं सारा कुछ यू नो मुफ्त का फोकट का फेंकी हुई चीज़ों से मैं काम करती हूँ, और उससे कि माशाल्लाह कितना अच्छा काम भी होता है। अब बारी आती है कि टोमेटो क्योंकि विटामिन सी रिच है, तो कई लोगों को ना सेंसिटिव स्किन में टोमेटो सूट नहीं करता। इट्स नॉट टोमेटोज फॉल्ट, ये हमारी खुद की स्किन की दुर्दशा है जिनको सूट नहीं करता। तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, इस पैक को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी लोग इसको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज इसको 15 मिनट तक ना रखो, क्योंकि तो अगर आप हफ्ते में इसको 3 दिन करना चाहते हो तो फिर आप इसको 15 मिनट्स तक रखो। अगर आपको लगे कि नहीं हम इसको रोजाना करना चाहते तो आप इसको आप इसको रोजाना करना चाहोगे तो आप इसको 7 मिनट से लेके 10 मिनट तक रख सकते हो, यानी कि 7 मिनट्स to 10 मिनट्स के अंदर आप इसको उतार दोगे। तो आई होप कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करना ना भूले। मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, मुझे फेसबुक पे ज्वाइन करें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दोगे, तो हो सकेगा तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो ला दूंगी। तो चलिए आज के एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है और पंखा चला के रखें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।